से बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए वीडियो में, श्रुति झा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से पहले तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, और जो पुराने हैं उनको तो सब कुछ पता ही है। तो आज मैं कहाँ आ गई हूँ, आज मैं आ गई हूँ यहाँ पे बाराबंकी का एक शॉप है, कृष्णा स्वीट है उसका नाम, और बहुत ही जल्दी ये ओपनिंग हुआ है। तो हम और मम्मी थोड़ा सा मार्केट के लिए निकले हुए थे, आई थॉट कि चलिए थोड़ा सा आज इस प्लेस को हम एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों से भी शेयर करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए और चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है। फ्रेंड्स हम अंदर आ चुके हैं, ये बेसिकली आपका चाट बेकरी रेस्टोरेंट तीनों ही हैं, और बस इसके अंदर कुछ इस तरीके से है, ये इसके अंदर का पोर्शन है। और चलिए फिर आगे आप लोग को दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए चाट के कॉर्नर पे, और अब हम यहाँ पे अपने लिए टिक्की बनवा रहे हैं। हाफ टिक्की कितने का भैया, 20 का, और फुल टिक्की 40 का, फुल टिक्की है और हाफ टिक्की 20 का है। और गोलगप्पे कैसे देते हैं, 15 के 4 गोलगप्पे, ठीक है। एक पत्ता गोलगप्पा कर दीजिए और 2 हाफ टिक्की कर दीजिए, ठीक है। देखिए भैया हमारे टिक्की बना रहे, क्या नाम है भैया आपका, मनोज कुमार, कहाँ रहते हैं आप, तो हमारी जो टिक्की है वो भैया बना रहे हैं। और ये कौन सी चटनी डाली भैया, ये कड़वी चटनी है, किसकी कड़वी चटनी, कड़वी चटनी, हरी चटनी है, देखिए हमारी हरी चटनी इसमें डल गई है, और उसके बाद ये है मीठी चटनी। हाँ मेरे टेबल पे मेरे सामने ये आलू की टिक्की आ गई है, मैंने आपको दिखाया भैया ने जो हमें टिक्की बना के दिया। तो चलिए अब हम इस टिक्की को टेस्ट करते हैं, फिर आप लोगों को बता दें। टिक्की में मैंने आपको दिखाया आलू है, मटर है, चटनी है, दही है, सब कुछ है। तो ये सबसे पहला वाला बाइट ये देखिए, पहले आप लोग खाइए, मैं आप खाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है। तो चलिए अब मैं इसको खाती हूँ, इसको खत्म करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। खोपड़ी का प्लेट टोटल पैसा नहीं बनेगा। और अब इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए हमारे गोलगप्पे भैया बना रहे हैं। गोलगप्पे बहुत टेस्टी थे, 15 रुपए के हमें 4 मिले और बहुत टेस्टी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मीठे में रसमलाई हमने ऑर्डर किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरे साथ है शुभ गुप्ता, जो कि हमारा वीडियो भी शायद देख रहे हैं, है ना शुभ जी। गुड इवनिंग गाइस, मैंने बहुत बार इनकी वीडियो देखी यूट्यूब पर, और एक्चुअली मैं सर्च किया करता हूँ कि ब्लॉग्स के बारे में, स्वीट शॉप के लिए, तो मैंने इनका एक दो बार देखा और सडनली आज ये हमारे शॉप पर आए। हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये हम लोग की शॉप पर ब्लॉग करने आए, ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं इनके स्वीट्स वाले सेक्शन की तरफ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इस दुकान पे, इस शॉप पे आपको
तरह तरह की मिठाइयाँ भी मिल जाएंगी यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे लड्डू है, बर्फ़ी है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी मिठाइयाँ होती हैं सारे टाइप के मिठाइयाँ यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो प्लस साथ ही साथ रेस्टोरेंट के साथ साथ ये आपका एक मिठाई का भी शॉप है, तो आप ये भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और चलिए कुछ भैया से कुछ बातचीत करते हैं कि इनके यहाँ पर क्या प्राइस है मिठाइयों का एंड और क्या क्या कुछ है, तो चलिए पूछते हैं सारी मिठाइयों का प्राइस क्या क्या है मिल के। हमारी जो नॉर्मल मिठाई है वो 440 रुपये के जी है। अच्छा। और जो तीखी मिठाई है वो 600 रुपये के जी है। और जो ड्राई फ्रूट है वो 700 और या अप्रॉक्स मतलब 1000 और 1200 से लगभग। अच्छा, मतलब 440 से आपका मिठाई का रेट स्टार्ट है और एंड है 1200 के जी है। अच्छा, और अगर इसमें से अगर एक पीस आप टेस्ट करना चाहते हैं इनकेस अगर आप शॉप पे आते हैं तो आपको 15 रुपये का एक पीस। हाँ जी, 15-20 रुपये से ऊपर लगेगी। और अगर ड्राई फ्रूट लेते हैं तो आप ड्राई फ्रूट के जैसे ड्राई फ्रूट लड्डू 30 रुपये का ऐसे ऐसे लेते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट का लड्डू जो है वो 30 रुपये का पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो भैया की दुकान में और भैया टिक्की गोलगप्पे के अलावा भी क्या क्या चीज़ें हैं? और हमारा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में जैसे स्नैक्स वाली चीज़ें जैसे मोमोज है, बर्गर है, पावाजी है। अच्छा, पिज्ज़ा है, ये चीज़ है। अच्छा, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए सर्व करवा रहा हूँ, पनीर मोमोज, तो आप ट्राई करके देखिए। अच्छा अच्छा, वैसे तो हमने यहाँ का भैया का टिक्की और गोलगप्पा खाया, बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था, क्वालिटी ऑफ फूड्स यहाँ का बहुत अच्छा है। और चूंकि इतना हम खा नहीं सकते तो ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को पूरा मेन्यू दिखा देती हूँ कि क्या क्या है इनके मेन्यू में, है ना। हाँ, आप जोमेटो और स्विगी पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। कृष्णा स्वीट आ जाएगा लखपेड़ा बाग, है ना। अच्छा, क्योंकि कृष्णा की अच्छा अच्छा, तो इनका एक ब्रांड जो है वो नाके पर भी है, कृष्णा के नाम से आई थिंक 2-3 शॉप है बाराबंकी में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका लखपेड़ा बाग में पड़ेगा, नया ही खुला है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो ओवरऑल ये आपका जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि ये रेस्टोरेंट है, चाट कॉर्नर सब कुछ है यहाँ पे, तो आप एज अ एंड पार्टी वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। पार्टी वगैरह का क्या है भैया? बुकिंग चार्जेस कोई नहीं है। अच्छा, जस्ट एक प्लेट का चार्ज है 350 रुपीज, जिसमें आपको दो स्टार्टर्स, कोल्ड ड्रिंक, फुल मेन कोर्स, आपको पनीर है और ड्राई सब्जी है, दाल है, मतलब फुल ऑन खाना है। आप बस 350 रुपीज दीजिए पर हेड प्लेट का, पूरा आपका हॉल फ्री और एयर कंडीशन। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे अगर आप छोटे मोटे पार्टीज वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 350 रुपीज जो है वो प्लेट का चार्ज है भैया ने जैसा कि बताया। तो ओवरऑल यहाँ पे आप चाट, टिक्की, मिठाइयाँ जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्वीट्स हैं, तो वो सब भी हैं, सारे ऑप्शन हैं आपके पास। सो डेफिनेटली ट्राई दिस प्लेस, मस्ट ट्राई। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं प्लेट में, ये हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री मिला है खाने को भैया की तरफ से। मतलब मोमोज हैं बाराबंकी में, आई थिंक, तो मुझे जैसे लगता है कि बेस्ट है। अच्छा। तो ये मैंने सोचा कि आप आए मेरे शॉप पे, तो मेरे तरफ से कुछ ना कुछ आपके लिए होना चाहिए, तो ये मैं आपको ज्यादा टेस्ट करके देती हूँ। अच्छा, पनीर फ्राई मोमोज टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है। कितने का है? 170 का 8 पीस है। 8 पीस है। अच्छा ठीक है, तो चलिए चेक कर लीजिए। चलिए लेट्स ट्राई। फ्रेंड्स, ये इनका मेन्यू है, सब कुछ तो कैप्चर करना इम्पॉसिबल था क्योंकि बहुत बड़ी बुक थी। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ आएंगे तो अपनी मनपसंद की सारी चीज़ें यहाँ पे खा सकते हैं। तो बस ये मेरा पर्पस है ये दिखाने का आप लोगों का।
तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको इस पूरे प्लेस को एक्सप्लोर किया और आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे क्या कुछ है खाने को. तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं. और बस आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ. अगर आज का वीडियो आप सबको मेरा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, श्रुति झा ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. बाय बाय एवरीवन.